तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर बताऊंगा आपके एंड्रॉइड फोन के लिए, जो कि वैसे तो कोई भी यूज कर सकता है अपने हिसाब से, बट अगर आप लोग एक गेमर हो तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर समझ लो स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है। क्योंकि एक गेमर को क्या चाहिए, 60 FPS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाए, लैग ना देखने मिले, स्टोरेज की टेंशन ना हो, हमारे फोन में स्टोरेज कम है फिर भी हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग जितनी चाहे उतनी कर पाए, ये और उसके बाद में इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर पाए, माइक ऑडियो रिकॉर्ड कर पाए, ये दोनों चीजें ये भी आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप में मिल जाएगा फीचर। उसके बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप में आप लोगों को पूरा गेम प्ले अपना रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो आप अपने सिर्फ एपिक मोमेंट्स को ही क्लिप कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आधे घंटे की मैच खेल रहे हो तो आपको आपका पूरा आधे घंटे की मैच रिकॉर्ड करना पड़े, आप चाहो तो सिर्फ अपने लास्ट 15 सेकंड या लास्ट 60 सेकंड में जो भी आपके गेम में हुआ है आप उसको भी क्लिप कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपका स्टोरेज बच जाता है। बट ये तो कुछ नहीं है, आपके स्टोरेज को बचाने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक फीचर इस ऐप में दिया गया है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इस ऐप में बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर है, सारे मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि आप लोग उनको सही से इस्तेमाल कर पाओ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो सीधे इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब मैं सीधे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप के बारे में बताता हूं कि ये कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर है। यहां पे आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम है ग्लिप गेम स्क्रीन रिकॉर्डर। इसकी डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, और इसके पिन कमेंट में भी इस वीडियो के आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग सीधे प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे और वहां से इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में। जैसे आप लोग इंस्टॉल कर लोगे इसको पहली बार जब ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। वैसे स्किप करके भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट अगर आप लोग स्किप करोगे लॉगिन नहीं करोगे तो कुछ फीचर्स है इस ऐप के ऐसे जो आप यूज नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लो। तो यहाँ पे मैं गूगल अकाउंट पे टच करूंगा और मेरा गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉगिन हो गया तो आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग और फर्स्ट क्लिप ऐसा कुछ स्क्रीन दिखाई देगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कैसा आपको दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको पहले से यूज कर रहा हूँ इस स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को, काफी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया इस ऐप से तो मुझे मेरे सारे क्लिप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा वहां पे, आपको स्टार्ट रिकॉर्डर वाले बटन पे एक बार टच करना है। जैसे आप लोग वहां पे टच करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, ऐसी स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे हम लोग नीचे गेट स्टार्टेड पे टच करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दो मोड दिखाई देते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, एक रिप्ले मोड और एक स्टैंडर्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड वो है जो आप नॉर्मली जो बाकी स्क्रीन रिकॉर्डर जैसे काम करते हैं, एक बार आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया फिर उसके बाद में आप लोग जब तक अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एंड नहीं करोगे सब कुछ आपके स्क्रीन पे का रिकॉर्ड होते रहेगा, आपका पूरा गेम प्ले जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो ये है आपका स्टैंडर्ड मोड। और यहाँ पे एक आपको मिल जाता है रिप्ले मोड, जो कि इस ऐप का यूनिक फीचर है। रिप्ले मोड में क्या होगा कि आप लोग जब चाहो तब अपने लास्ट 15 सेकंड या फिर लास्ट 60 सेकंड में आपके गेम में जो कुछ भी हुआ उसको आप लोग क्लिप कर सकते हो। तो जैसे ही आप लोग अपना गेम खेल रहे हो और जैसे आपने अपने गेम में कुछ एपिक मोमेंट किया, कुछ 1v4 क्लच कर दिया या फिर कुछ तगड़ा सा आपने किल कर दिया और आपको चाहिए कि लास्ट 15 सेकंड में जो कुछ भी हुआ वो सेव हो जाए, तो आपको एक स्क्रीन पे आइकन दिखेगा, वहां पे आप लोग अगर एक बार टच करोगे तो लास्ट 15 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो जाएगी। अगर आप लोग उसको लॉन्ग टच करके रखोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे तो लास्ट 60 सेकंड में जो कुछ भी हुआ आपके गेम में वो क्लिप होके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इस स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप का सबसे यूनिक फीचर है। तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप लोग अपना पूरा मैच रिकॉर्ड करो, जो कि आपके फोन की बहुत ज्यादा स्टोरेज ले लेगा। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे अपनी लास्ट 15 सेकंड या फिर लास्ट 60 सेकंड की क्लिप भी सेव कर सकते हो, मतलब रिप्ले अपना सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नीचे देखोगे तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो नॉर्मली हम लोग लैंडस्केप वाले ही गेम खेलते हैं ऐसा आड़ा फोन करके, तो लैंडस्केप आप लोग रख के और पोर्ट्रेट रख के जैसा भी आपको रखना है वैसा आप लोग करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्वालिटी में आपको लो, मीडियम और हाई क्वालिटी मिल जाती है। मीडियम क्वालिटी में भी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे क्वालिटी की होती है, तो वहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग अपने फोन के हिसाब से मीडियम या हाई क्वालिटी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हाई पे रहने देता हूँ। अब ये जो माइक का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि माइक और इंटरनल ऑडियो ये दोनों चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। माइक्रोफोन की भी ऑडियो रिकॉर्ड होती है आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और आपके गेम का इंटरनल ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ कि अगर आपका फोन एंड्रॉइड 9 है या फिर एंड्रॉइड 9 से नीचे है तो आपको ये माइक्रोफोन वाला ऑप्शन ऑन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ये ऑप्शन ही ना दिखाई दे आपको, या फिर अगर दिखाई दे रहा है तो ये आपको ऑन रखना है, क्योंकि अगर आप लोग एंड्रॉइड 9 या एंड्रॉइड 9 से 9 नीचे वाले डिवाइसेस में इसको ऑन नहीं रखोगे तो आपका गेम साउंड वगैरह जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो और अगर आपका एंड्रॉइड फोन एंड्रॉइड 10 या फिर उसके अबव है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग इसको ऑफ भी रख सकते हो, तो फिर आप जो बोलोगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ आपके गेम का इंटरनल ऑडियो ही रिकॉर्ड होगा, सिर्फ आपका गेम साउंड ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देता है शेक टू सेव, तो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को आप लोग ऑन करके रखते हो तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी क्लिप को रिकॉर्ड करना है जो लास्ट 15 सेकंड में हुआ या जो लास्ट 60 सेकंड में हुआ वो मुझे सेव करना है, तो आप अपने फोन को एक बार ऐसा शेक करोगे तो वो जो क्लिप है वो आपके फोन में सेव हो जाएगा। तो वहां पे फिर आपको
वो आपके स्क्रीन पे वो बटन भी नहीं दिखाई देगी, जो यहाँ पे आपको मैंने थोड़ी देर पहले लोगो दिखाया कि वो लोगो भी नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे टच करने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ अपने फोन को एक बार शेक किया और लास्ट 60 सेकंड में जो कुछ भी अपने फोन में हुआ था, आपके गेम में जो कुछ भी हुआ था, वो क्लिप जो है वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आप लोग यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे लॉन्च रिकॉर्डर को आपको जैसे ही टच करोगे उसके बाद में आप लोगों का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो ऑन हो जाएगा। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं इस ऐप की खासियत की, सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टोरेज का, क्योंकि सबके फोन में स्टोरेज की बहुत टेंशन होती है कि हम लोग अगर ज्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे फोन में स्टोरेज ही नहीं बचती, तो फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इस ऐप में एक और चीज़ है कि आप लोग अनलिमिटेड अपनी सारी क्लिप्स को अपने क्लाउड पे सेव कर सकते हो, अपलोड करके रख सकते हो, जिसको आप लोग कभी भी चाहो तो उसको शेयर भी कर सकते हो, कभी भी चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में और उसको आप लोग एडिट वगैरह करके अपनी अच्छी वीडियो बना सकते हो। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी ये जो सारी क्लिप्स है जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई देती है, सारी क्लिप्स दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक ऐड टू लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई देता है, वहाँ पे आपको जैसे ही आप लोग टच करोगे आपकी जो क्लिप है, वो जो वीडियो है, वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो अपलोड हो जाएगी आपके क्लिप के अकाउंट में आपके क्लाउड पे। और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, आप लोग कितना भी अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर सकते हो अपने क्लाउड पे, ठीक है। तो वो जैसे आपने कर दिया तो यहाँ पे आप लोग अगर नीचे आओगे, यहाँ पे पर्सनल क्लिप्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी क्लिप्स है जो मैंने यहाँ पे अपने क्लाउड पे डाल के रखी है। तो यहाँ पे इन क्लिप्स को आप लोग जब चाहो तब डाउनलोड भी कर सकते हो, जब चाहो तब इनको शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शेयर वाले बटन पर दबाओगे तो आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग चाहो वहाँ पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर सकते हो, या फिर जहाँ पे भी अपनी क्लिप शेयर करना चाहो वहाँ पे शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके कभी भी इन क्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया तो उसके बाद आपको अपने फोन में भी, अपने फोन के स्टोरेज में उन क्लिप्स को रखना है। आपने एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया, उनको अपने ऐड टू लाइब्रेरी कर दिया, अपने लाइब्रेरी में यहाँ पे क्लिप में ऐड कर दिया, उसके बाद में आप लोग अपने फोन से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकते हो और वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव रहेगी आपके क्लाउड पे, जब चाहो तब आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो और अच्छी वीडियो बना सकते हो। तो गाइस ये था हमारा ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि स्पेशली गेमर के लिए बनाया गया। इसके फीचर्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताओ। पसंद आए ऐप तो जल्दी से डाउनलोड करो, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिंड कमेंट में भी है, वहां पे क्लिक करो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो और यूज करो इस ऐप को। लैग देखने नहीं मिलेगा, 60 FPS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लाउड एक्सेस मिल जाता है, अनलिमिटेड अपनी क्लिप्स को सेव कर सकते हो, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। तो इंस्टॉल करो। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।